नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। यूपी की राजनीति में अपर्णा यादव एक ऐसा चेहरा बन चुकी हैं जिसकी चर्चा विपक्ष की जुबां पर भी खूब है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू होने के साथ साथ कभी खुद की पार्टी का हिस्सा भी रह चुकी है। लेकिन अब वो सपा के खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले अपर्णा यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें वो मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेती नजर आ रही थी। इस एक तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तस्वीर को देखने के बाद बातें भी कई होनी शुरू हो गई थी। किसी ने कहा अपर्णा से मुलायम सिंह नाराज हैं, तो किसी ने कहा अपर्णा के फैसले ने मुलायम सिंह को तकलीफ पहुंचाई है। मतलब एक तस्वीर पर हजारों बातें बिना देर किए बननी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों को जब भी मौका मिल रहा था, अखिलेश यादव से अपर्णा को लेकर कोई ना कोई सवाल कर ही लेते थे। खैर, ये चीजें अब भी जारी हैं। अखिलेश यादव ने तो ये तक दावा किया था कि मुलायम सिंह ने अपर्णा यादव को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई अब जाकर सामने आई है। और खुद अपर्णा यादव ने बताया है कि बीजेपी ज्वाइन करने के फैसले पर मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था। दरअसल अपर्णा ने इस बात का खुलासा न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू में किया है। चुनावी माहौल के बीच तमाम मीडिया चैनल्स लगातार नेता राजनेता का इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी में से एक मीडिया संस्थान ने अपर्णा यादव का भी इंटरव्यू लिया है, जिसमें अपर्णा से तमाम तरह के सवाल किए गए हैं। इन्हीं में से एक सवाल मुलायम सिंह यादव से भी जुड़ा हुआ था। चलिए आपको भी इससे रूबरू करवाते हैं। अपर्णा यादव एक नाम, एक चेहरा है, लेकिन सवाल अनेक हैं। सवालों के ढेर में एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि अपर्णा के बीजेपी में आने से सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपनी बहू के इस फैसले से सहमत थे या नहीं थे। अब इस बात का खुलासा हो चुका है, जिसे खुद अपर्णा यादव ने बीते शनिवार यानी 5 फरवरी को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के यूपी कॉन्क्लेव में बताया है। उन्होंने बताया बीजेपी में आने के उनके फैसले पर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें क्या नसीहत दी थी। जब इंटरव्यू में पत्रकार ने अपर्णा से पूछा बीजेपी ज्वाइन करने पर नेताजी ने क्या आशीर्वाद दिया, इसका जवाब देते हुए अपर्णा ने कहा, इंडियन फैमिली सिस्टम में जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुर आपके पिता तुल्य होते हैं। मुलायम सिंह ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा समय समय पर नेताजी के सामने अपनी बात रखती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ। सवाल और जवाब अभी भी जारी थे। अपर्णा से एक के बाद एक कई सवाल किए जा रहे थे और ज्यादातर सवाल अपर्णा से बीजेपी और मुलायम सिंह यादव से ही जुड़े हुए थे। अपर्णा ने आगे कहा, पिताजी हम बहुओं को कभी भी किसी चीज के लिए रोकते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते कि ये करो वो मत करो, रोक टोक नहीं करते। वहीं जब पत्रकार ने अपर्णा से ये पूछा कि क्या बीजेपी में जाने से पहले मुलायम सिंह यादव से आपकी बात हुई थी, इस सवाल पर अपर्णा ने जो जवाब दिया उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। अपर्णा यादव ने कहा, हाँ बिल्कुल बात हुई थी, नेताजी ने बहुत बड़ी राजनीतिक समझ दी मुझे। उन्होंने मुझे समझाया कि परिवार अपनी जगह है और राष्ट्रवाद एक तरफ है। इसी के साथ अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि उनके लिए परिवार से ज्यादा राष्ट्रवाद अहमियत रखता है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला किया। बहरहाल जाते जाते आपको अखिलेश यादव के उन बयान के साथ छोड़ जाते हैं जिनमें वो कहते हुए सुने जाते हैं कि अपर्णा यादव को नेताजी ने समझाया था। इसे सुनने के बाद अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की।